नमस्कार दोस्तों, भाई आपके सामने जो शख्स खड़े हैं ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपको जो है एक बार इनका नाम बता देता हूं, भाई परिचय बता देता हूं। ये है भाई जो आपके सामने है एस राजा भाई, यानी संजीव राजा भाई। और आज इनका कहना है कि कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा जो है भाई लाइव डेमो होगा फील्ड के अंदर। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको सीधा डेमो में। भाई ये देख लो दोस्तों, आज जमरा आपको दिख रहा होगा कैमरे में बिल्कुल, और जमीन जो है ना भाई पूरी सूखी पड़ी हुई हार्ड है, आपको दिखाऊंगा। देखो भाई हार्ड जमीन है और घास देख लो कितना है। अब आपको यहाँ पर सीधा जो है लाइव डेमो दिखाते हैं। ये आ गया कंपनी का R105 मॉडल शोभित जी। जी सर, ये बिल्कुल नई तकनीक से अब कर दिया गया है। अच्छा, अब इस मॉडल को सीधा डेमो में लेके आए हैं, तो बातें नहीं करेंगे आज, सीधा डेमो ही में ही चलेंगे। सीधा डेमो में ही भाई, अब आपको इसे जो है चला कर दिखाते हैं। पूरा 5 है जी, पूरा ये देख लो भाई, पूरा 5 फीट है भाई, ये देख लो रे। 30 HP का ट्रैक्टर चाहिए भाई, अगर कंपनी के रिकमेंडेड जो HP है 30 HP का ट्रैक्टर चाहिए कम से कम इसे चलाने के लिए। और मॉडल है एस राजा, यानी संजीव राजा, R105 किंग मॉडल है भाई ये। आज आपको R105 किंग की विशेषताएं, ये 5 फीट का रोटावेटर और इतने बड़े कदवार में इतना बड़ा कवाड़ घास फूस है जी, इसको चला के इसको जो इसकी विशेषता पता चलेगी, बातें करने से विशेषताएं पूरे नहीं होती। बात बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, चला भी देगा ट्रैक्टर चाहे इसके लिए। देखिए बात ऐसी है, अब इस खेत में आ गए हैं तो इस खेत में कार्य को पूरा अंजाम दे के जाएंगे, और अगर मशीन बीच में रुक जाती है तो कार्य को पूरन यहाँ पे ही विश्राम कर देंगे। ठीक है सर, बहुत देखो भाई, चलो दिखाओगे, ये हो गया स्टार्ट। और अब दिखाते हैं सर ने जो बात कही, 5 फीट का साइज है भाई इसका रोटरी का, और अब देखते हैं भाई। ये देखो भाई, भाई देख लो आप, जब मैं आपको दिखाऊं एक बार जहाँ आप दिखा रहा था, देखो डेप्थ देख लो भाई, डेप्थ देख लो, डेप्थ कितनी है जबरदस्त। इसी तरीके से रोटावेटर चलता है, चाहे कोई ट्रैक्टर वाला है चाहे कोई छोटा मशीन है, चला इसे हम फास्ट भी सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जितना भी ये जी सर एक कबाड़ था, ये सारा निकल के जड़ों से कट के बाहर आ गया। ये देखो भाई सर, एक चीज देखना चाहूंगा, डेप गहराई ये अपने हाथ से देखिए, आप बोलेंगे जी आप अपने हाथ से दिखा रहे हैं। यहाँ सर ओ भाई ये क्या आपकी क्या चीज ले रहे जी, ये देखो कहाँ है, यहाँ जाके जमीन आई भाई। ये देखो ये पूरा हाथ जो है मतलब 9 इंच का है मेरा सर, ये 9 इंच। तो ये एक ही बार में यहाँ से गुजरा है, दूसरी बार अभी गुजारा नहीं गया है, पहले गेयर में वर्क कर रही है और पूरा कूड़ कबाड़ खत्म कर रही जा रही है, कदर वर्क खत्म कर रही जा रही है। अब इसका हम अगर दूसरा गेयर लगाएं तो इसकी आपको स्पीड का कुछ और अंदाजा है। दूसरा गेयर सर, अब जो है भाई दूसरा गेयर लगा दिया सर ने, अब देखो रफ्तार अब जो है दूसरे गियर में है सर। जितने डेप्थ ये लेकर चल रही है ट्रैक्टर जो है बंद हो जाएंगे। मुझे ट्रैक्टरों का तो पता नहीं, मुझे पता है आपने R105 किंग 1.5 यार्ड की मशीन का कार्य करेगी, जितना कूड़ कबाड़ है सामने दिखाइएगा सारा काट के अंदर तक से निकलेगा। हाँ भाई देख लो उधेड़ कर रख दिया बिल्कुल, कितना घास है ना देख लो, इतना घास पूरा जो है धरती नहीं दिख रही होगी आपको कैमरे में, कुर्ता उठा दिया भाई। एक बात और बताओ सर, इसकी वर्किंग विड्थ कम ज्यादा है कर सके कुछ? इसको आप 12 इंच से लेके इसको 5 फीट तक आप चला सकते हैं। नॉर्मल जो हम रोटावेटर देते हैं इसमें 4 फीट का देते हैं, लेकिन अगर किसी
किसी भी किसान भाई ने सब्जी का कार्य करना है या गन्ने का कार्य करना है तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, ज्यादा छोटे करने के लिए चापट है वो अलग से लेनी पड़ती है। अच्छा अच्छा भाई, गन्ने में चलाना चाहो तो वो भी ऑप्शन है, कितना ही छोटा नेड़ा कर लो। सर ये क्या कर दिया दोनों तरफ, ये क्या है और ये सेंटर में क्या है सर? ये देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा कद्वार था जी, ये फालतू का घास फूस था जी, जमीन पूरी हार्ड थी, तो हमने जमीन को पूरा सॉफ्ट करना है, इसे हमने खेती के काबिल बनाना है और जो खत परवार है वो पूरा बाहर करना है, कद्वार बाहर करना है। तो आप देखिए वहां से चले और हम वहां तक किया, कहीं पर भी एक घास का आपको नहीं दिखेगा, कोई भी फालतू नहीं दिखेगा। हाँ एक राउंड है भाई, ये एक राउंड में देख लो आप कैसे उखाड़ कर फेंक दिया, ये देख लो ये कितने लंबे लंबे, देखो एक राउंड में जो है मतलब मशीन ना दूसरे दो की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई बिल्कुल भी। ये देख लो ये सर जो नया अटैचमेंट है आपने ये क्या लगाया है? इसे बखर बोलते हैं सुबीत भाई जी। आमतौर पे ये महाराष्ट्र में चलता है, अच्छा एमपी में चलता है, वैसे चाहिए तो पूरे देश में जी। जैसे ये कद्वार खड़ा है यहाँ पे जी, बड़ा बड़ा घास फूस बड़ा, इसे जड़ों से काटना होता है। अच्छा तो हम वो कार्य आपको सही करके दिखाएंगे कि इसको जड़ों से सीधा कैसे काटा जाता है बिना जमीन को जोते हुए। अच्छा जी अच्छा, करिए बेटा स्टार्ट। तो भाई आपको दिखाते हैं लाइव, ये जो देख लो आप पहले यहाँ पे कैसा है, ये जो है घास खड़ा है बिना जमीन को भाई, बिना मतलब प्लोइंग किए जोते ये निकालना है, उसी के लिए स्पेशली ये जो है अटैचमेंट है। ये देखो भाई ये देख लो जड़ से जो है जड़ सार की निकाल दी भाई, ये देख लो ये आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जड़ों को पूरा अंदर तक से ये बाहर कर देता है और जड़े तक इसकी आप बाहर आ। हाँ भाई क्लियर रूट जो है बिल्कुल सर के हाथ में दिख रही, बाहर निकाल दी जड़ समेत बाहर निकाल दिया भाई, ये बिना प्लोइंग किए मतलब जो है बिना जुताई के ये कार्य करता है। और तेज चलेगा सर ये रफ्तार चलेगा, इसको दूसरे गियर में लगाइए। अच्छा थोड़ा और तेज दिखाओ चला के दूसरे गियर में, देखो भाई अब आपका देखो रफ्तार कितनी तेज चला, जबरदस्त। तो ये आपके खरपतवार जो हैं भाई जो आपकी फसल में होते हैं उन्हें निकालने के लिए है। चलाने को सर गन्ने के बीच में भी चला सके ऐसे कोई ऐसी बात नहीं, भी चलेगा लेकिन उसमें जो रास्ता है वो इतना होना चाहिए, लेकिन ये तंग और चौड़ा भी बन जाता है। अच्छा ये कितनी है जी, पर इसी कितना चौड़ा होगा लगभग? ये अभी है ये पूरा 2 फीट। अच्छा 2 फीट है सर। आज ये 1.5 फीट भी हो जाता है और ये 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक भी तैयार हो जाता है। अच्छा जी अच्छा सर, अब ये क्या अटैचमेंट लगाया आपने इसके बारे में बताओ? ये पूरा बंजर खेत है। हाँ जी पूरा बंजर खेत है, पूरा बंजर है। इस खेत में वो लगाया है, पहले कार्य देखिएगा इसका, इसे जमीन फाड़ बोलते है, फिर इसको देखिए हम बताएंगे ये लगाया क्या। अच्छा जी चलो भाई पहले कार्य देखते हैं उसके बाद में जो है सर बताऊंगे आपको ये है क्या जुगाड़। देख लो आप जमीन कितनी ठोस है और जो है घास ही घास है भाई, आपको दिख रहा होगा। इसमें जो लगी हुई है ये बहुत ही हार्ड ब्लेड की पत्ती बना के लगाई गई है, इसपे आयरन में इसमें तपा के इसे बनाया जाता है जिसको टेम्परिंग बोलते हैं। अच्छा टेम्परिंग की जाती है ताकि इसमें किसी भी प्रकार का खेत हो इस प्रकार से पूरी की पूरी जड़ें नीचे से बाहर आ जाए। ये देख लो भाई पूरी जड़ जो है नीचे से निकाल के इसने उखाड़ गए, ये देखो भाई कितनी लंबी जो है। सर मुझे लग नहीं रहा था निकाल दे भाई। देखिए बात ऐसी है हर विधि बनाने का एक तरीका है, इसे हम स्टोन रिमूवर भी बोलते हैं, इसे किंगरी का भी रूप दिया जाता है। अच्छा और ज्यादा लोग जो इसे बोलते हैं धरती पहाड़ अटैचमेंट बोलते हैं, धरती पहाड़ अटैचमेंट। तो ये देख लो भाई, देखो भाई अब जो है आपको ये नया अटैचमेंट लगाया है, इसके बारे में बाद में बताऊंगे पहले इसका कार्य आपको दिखाते हैं। ये काम तो ट्रैक्टर का है, देखिए मुझे नहीं पता ये ट्रैक्टर का है जी। मुझे इतना पता है ये हमारा R105 किंग मॉडल, आगे हमने इसके
ये अब 24 ब्लेड लगा रखे हैं, अब इसको छोटा कर दिया गया है और पीछे एक मेड़ बनाने वाला लगा दिया गया है। बड़े सरल तरीके से किसान के लिए ये काम करेगा। कार्य अब आप दिखा दीजिए जी। ये भाई 2-in-1 है, आगे जो है ये चल रहा जी, ब्लेड चल रहे और पीछे जो है डोल डोल देखो। मैं सोच रहा था मगर रुक जाएगा, ये बंद हो जाएगा, लेकिन भाई फिर मतलब ऐसा लग रहा था मुझे इतना लोड। ये मैं फिर बोलता हूँ, ये कंपनी के अंदर से बना R105 किंग मॉडल है, ये बंद नहीं होता शोभित भाई, ये बंद नहीं होता जी। देख लिया सर, बिल्कुल लाइव देख लिया भाई, सब जो है आपने देख लिए, लाइव डेमो देख लिया। अब जो मेन बात आती है वो इसकी आती है प्राइस की, और कैसे आप इसे जो है अपने घर मंगवा सकते हो। सर आपको इस बारे में जानकारी देंगे, तो बताइए सर। सबसे पहले मैं फिर बता दूं, मॉडल है ये R105 किंग, कंपनी के अंदर से बना हुआ है, बिल्कुल सरल साधन है। आपकी वीडियो के स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, कंपनी में वो व्हाट्सएप करें या उस नंबर पे कॉल करें, पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अच्छा जी, और सर प्राइस के बारे में, प्राइस क्या रहने वाला है इसका? प्राइस बहुत ही हमने नॉमिनल रखा हुआ है। जे R105 किंग जो मॉडल रहेगा, इसकी कीमत मात्र 44,000 रुपया रहेगी। साथ में 32 ब्लेड की 4 फिट की रोटरी साथ में आएगी, और अच्छा वहां पे रखी जो पहले आपको अटैचमेंट दिखाई है 4-5-6, उनमें से कोई भी दो आएंगी 4,000 रुपये कीमत की, वो साथ में ही आएंगी। उनमें से कोई भी दो सर? उनमें से कोई भी दो। अच्छा जी, और सर लेस डिस्काउंट स्पेशल कुछ होना चाहिए? शोभित भाई आपने बोल दिया लेस और डिस्काउंट, तो आपके लिए स्पेशल ये है। मैं पहली बार आया सर, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप पहली बार आया, स्पेशल ये है जी। पहले इसका दाम बताएंगे 50,000। अच्छा जी, फिर डिस्काउंट करेंगे 4,000। आप बोलोगे थोड़ा और कर दो, मैं बोलूंगा दो और कर दिया, हो गया 44,000। हो गया बिल्कुल बिल्कुल, एग्री हूँ सर अभी आपकी बात से, बिल्कुल एग्री हूँ। ठीक है जी जी जी, हमें ये नहीं करना आता, कोई क्या करता है हमें पता नहीं। कीमत R105 किंग मॉडल का 44,000 रुपये। भाई ये देखो सर, ने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, बिल्कुल 50 बोल देंगे पहले ही, बटा के कोई फायदा नहीं है। गारंटी और बताओ सर, गारंटी क्या है ऐसी, गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है, और मंगवाने का साधन जो है सर? सीधा काम है जी, कुछ भी टूट जाए, कुछ भी खराब हो जाए। अच्छा, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये खराब नहीं होता है, फिर भी मशीन है खराब हो सकती है, कुछ भी टूट जाए फूट जाए, मात्र उसकी फोटो और बिल की कॉपी कंपनी के नंबर पे भेज दे, कंपनी से वो सामान निकल जाएगा और उनके घर तक डिलीवर हो जाए। बिल की फोटो भाई, और जो है अपना इसका जो पार्ट, कितने, एक साल की सर? पूरे एक साल 12 महीने के लिए। अच्छा अच्छा, कुछ भी खराब होता है भाई तो ये इसकी जो है, और मंगवाने का बताओ कैसे मंगवा सकते हैं? वो भी सरल साधन है जी, नंबर दे रखे हैं, जानकारी उपलब्ध हो गई, मात्र 5,000 कंपनी के अकाउंट में डाल दें, बाद में 39,000 जब जिला में पहुंच गया तब डाल दें, मशीन घर पे डिलीवर हो जाएगी, डिलीवरी का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा भाई। हाँ, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी हो, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल ओवर इंडिया से आप भाई कहीं भी हो, घर बैठे आप मंगवा सको, और स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे भाई। तो यही था आज की वीडियो में, धन्यवाद।